बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद जोहेब और आप देख रहे हैं जीएन ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम जिस गन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो G3 है, पाकिस्तान की सर्विस राइफल। तो वीडियो में जाने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे जीएन ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि इन फ्यूचर आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सर्विस राइफल G3 के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान की सर्विस राइफल है तो G3 इसलिए पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर यूज़ की जाती है। G3 को पाक आर्मी, पुलिस, SSG और दूसरे कानून नाफिज करने वाले मुख्तलिफ अदारे इस्तेमाल करते हैं। तो आए इस गन के हिस्ट्री जानते हैं और फिर आगे स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। ये गन 1950 में जर्मनी ने बनाई थी और बहुत सी मॉडिफिकेशन के बाद पाकिस्तान की सर्विस राइफल बनाई गई 1959 में जाकर। और पाकिस्तान की सर्विस राइफल होने के साथ साथ इस गन को जर्मनी की सर्विस राइफल होने का एजाज भी हासिल है। जर्मनी ने इसको 1959 से लेकर 1997 तक अपनी सर्विस राइफल के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो ये तो इस गन की हिस्ट्री हो गई। और अब इसके हम स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहनत लगी है यार। तो चलें अब स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो गन की। सबसे पहले इस गन की लेंथ की बात कर लेते हैं। G3 की जो लेंथ है वो 1025 मिलीमीटर है, जो तकरीबन अगर इंच में हम कन्वर्ट करें तो ये बनती है 40.4 इंच। तो काफी लंबी गन है। तो इसके बाद ये तो इसकी हो गई लेंथ। लेंथ के बाद मैस की बात करें, अगर वेट इसका, तो वेट इसका 4.38 केजी है। और इसके बाद अगर G3 की बैरल लेंथ की बात की जाए तो G3 की जो बैरल लेंथ है वो 450 mm है, 450 मिलीमीटर है, जो कि अगर इंच पे कन्वर्ट करें तो 17.7 इंच बनती है। वेट की बात करें, मोटाई की अगर इसकी बात की जाए तो वो है 45 मिलीमीटर, मतलब 1.8 इंच। और अगर इस गन की हाइट की बात की जाए तो 220 मिलीमीटर इसकी हाइट बनती है, मतलब 220 मिलीमीटर इसकी हाइट है। और तो अगर इसको इंच में कन्वर्ट करें तो 8.7 इंच तकरीबन इसकी हाइट बनती है विद एक्सटेंडेड मैग। एक्सटेंडेड मैग के साथ इसकी 8.7 इंच जो है वो हाइट है। तो इसके बाद जी ये गन जो बुलेट यूज करती है वो है 7.62x51 मिलीमीटर की बुलेट ये गन यूज करती है, जो काफी पावरफुल बुलेट है। और इसके बाद ये तो हो गई इसकी जी स्पेसिफिकेशन। अब इस गन की जो रेंज है उस रेंज के बारे में थोड़ी मालूमात हासिल कर लेते हैं। ये G3 की जो नाजरीन रेंज है, इफेक्टिव रेंज, वो 300 से 500 तक इफेक्टिव रेंज है G3 की, जो आसानी से निशाना रखने की सलाहियत रखती है। और मैक्सिमम फायरिंग रेंज जो है इसकी वो 3700 मीटर है। 3700 मीटर मैक्सिमम G3 की रेंज है। और G3 की जो मजल वेलोसिटी है वो 800 मीटर पर सेकंड की है। 800 मीटर पर सेकंड की G3 की मजल वेलोसिटी है। और इस गन का जो फायर रेट है वो 500 to 600 राउंड पर मिनट है। और नाजरीन, ये थी हमारी छोटी सी रिव्यू G3 के बारे में।
तो नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। मैं ऐसी वीडियो इंशाअल्लाह